मीरा रोड में गोल्डन एक सर्कल है, वहां पे आजाद नगर झोपड़पट्टी है, वहां पे तकरीबन 4-4:30 बजे आग लगना प्रारंभ हुई। जहां पे कुछ कचरा वगैरह डंप किया हुआ था वहां से आग प्रारंभ हुई और बाजू में जो झोपड़पट्टी है वो झोपड़पट्टी में फैली। अभी महानगर पालिका ने पूरा आग काबू में लाया है। तकरीबन 27 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां है वो मुंबई, थाने, वसई विरार और यहाँ मिलके सबने मिलके आग बुझाई है। अभी एक आध घंटे में पूरी आग बुझ जाएगी। इसमें से एक कैजुअल्टी हुई है, दो लोग महानगर पालिका फायर ब्रिगेड के जख्मी है और पब्लिक के 2-3 लोग जख्मी है, उनके उनको उपचार चालू है। सर, कैजुअलिटी की और भी आशंका है जो घायल लोग नहीं, अभी तक तो कुछ आशंका नहीं, एक ही अभी कैजुअल्टी हुई, बाकी किरको जख्मी है, ज्यादा गंभीर नहीं है। तो सर, वजह पता चल पाई किस वजह से आग? नहीं, अभी तक वजह पता नहीं चल पाई, लेकिन जो कचरा डेपो था वहां पे कुछ शायद एक्सीडेंटली आग लगी होंगी और वहां से फैली, तो अभी वो बाद में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मीरा भाईंदर येथे गोल्डन नेक सर्कलला आजाद नगर झोपडपट्टी मध्ये कचऱ्याचा डेबो होता, त्या ठिकाणी पहाटे 4-4:30 दरम्यान आग लागलेली होती आणि ती आग पसरवून बाजूच्या झोपडपट्टीत पण पसरलेली आहे। 30 ते 40 साधारणतः झोपड्या आणि काही कमर्शियल गोडाऊन्स होते हे जळालेले आहे। आगीमध्ये एक व्यक्ती मृत्यूमुखी पडलेला आहे, 2 अग्निशमन दलाचे जवान जखमी झालेले आहेत आणि 2-3 नागरिक किरकोळ जखमी झालेले आहेत, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे। त्याचप्रमाणे फायर ब्रिगेड